बोल रहे नहीं पहुंचे क्या ऊपर? मौसम की यार बड़ा ही खराब हो गया, हम बर्फ पड़ रही है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे, ठीक ही रहना। तो गाइस, आज मेरी यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो है और आज हम अपनी पहली वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं भोले शंकर के साथ। तो गाइस, सीन कुछ ऐसा भी, हमें बस स्टैंड में, तो अभी करीब अभी 6:30 बज रहे हैं, तो हम 7 बजे हमारी बस निकलेगी, तो हम 7 बजे यहाँ से निकलेंगे। ये देखो ऊपर बस स्टैंड है यहाँ पे, तो थोड़ी देर बाद हम निकलते हैं। चलो मिलते हैं बस में। तो गाइस, बस हमारी रेडी होने लगी है, तो देखो बस वो है गाइस, ये बस जाने वाली है थोड़ी देर बाद, तो हम निकलेंगे। 8 बजे निकलेगी बस इधर से। और तो देख लो इधर का सीन, देख लो कुछ ऐसा अभी मॉर्निंग का। ये 2 बंदे भी जा रहे हैं हमारे साथ। ओ हाई करो, ए ओ हाई क्रिस, ओए देख ले। अभी हम पहुंच चुके हैं टकवास। तो अभी यार कुछ रास्ता ख़राब था, तो उस कारण हम अभी बस हमको आधे रास्ते पे छोड़ गई है, तो अभी जाएंगे हम इधर से आके पैदल। तो चलो देखो आप। तो गाइज, हम चल रहे हैं पैदल अभी इधर से। देखो इधर का मौसम कुछ ऐसा है, एकदम मस्त। अभी हमने चलना लगभग इधर से ओ ऊपर तक, कोई मतलब ठीक ठाक ऊपर होगा कहीं, वो तक हम पैदल जाएंगे। और बनाते हैं यहाँ तक। तो भाई हम पहुंच गए थोड़ा इधर ऊपर, और कोई नीचे साइड से चल के आए अभी हम थोड़ा पड़ा नीचे से, तो अभी तो ठीक ठाक ही ऊपर है। देखते हैं, चलते रहते हैं जिन्ना दम होगा, बाकी अब बने रहो साथ में। तो वही चेक करो इधर का भी, चेक करो बस आप एक बार। जिन दोनों की बस हो चुकी है तेरी बोल रहे नहीं पहुंचे क्या ऊपर? वैसे बस तो मेरी भी होगी, पर चलो चलते हैं, चढ़ाई दे रहे हैं, तो देखते हैं पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, नहीं तो आधे रास्ते वापस आएंगे। बर्फ भी होगी शायद ऊपर, और इधर तो अभी भी बर्फ है ठीक ठाक। तो इधर से हो तो ज़्यादा ही हाइट पे है, तो चलो मिलते हैं आगे। तो गाइस अब पहुंचने वाले हैं और माता चौक के पीढ़ी लोग गाड़ी सुन रहे हैं पौधरी के साथ। तो गाइस आधे घंटे चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं इधर ऊपर लेक के पास। हाँ थक गए हम ठीक ठाक, और इधर का व्यू सेक्सी है बड़ा भारी, तो आप चेक कर सकते हो। और को देखो आप, तो गाइस इधर का व्यू, बोला जाता है कि ये जो मतलब इधर लेक में ये जो ऐसे पैर का निशान बना हुआ है, ये जो हमारे भीम जी थे उनका पैर का है, और बाकी तो इधर पानी ऐसी नेचुरली खुद ही हो जाता है, भर जाता है। बाकी शायद देखते हैं हम इधर से अभी ऊपर को निकलेंगे तो क्या बनता है, मौसम पे डिपेंड है और आगे रास्ते पे डिपेंड है, तो देख लो आगे। कर एक दोस्त मिला पे इधर घूम रहा है। कोई 10 फुट डांग से कोई अंतर
भाई ओए 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 तो गाइज हम बड़ी मेहनत से चल के टांगे बर्फ में दसा दसा के पहुंच गए ऊपर। तो इधर थोड़ा करेंगे एंजॉय। गाइज जो आगे आपको एक कुछ घर से दिखाई दे रहा ना, इस जगह पे मतलब हमारे यहाँ के लोग गर्मियों में अपने अपने मतलब जैसे जो भेड़ बकरी होते हैं उसको ऊपर लेके आते हैं, क्योंकि नीचे फसलें फुसलें उगाई जाती है, तो उसको मतलब उसके बचाने के लिए इधर घास घूस होता है तो उनको इधर भेज देते हैं। वो बाकी एक हदवारी ये है और एक उस पार जाके वो उधर आगे से कहीं एक पीछे रास्ता जाता है उधर है, और बाकी एक हदवारी वो उधर है, उधर से दिख रही होगी आपको वो यहाँ पे जो घर है यहाँ पे। और बाकी तो इधर देखो ये जितने भी गाय वगैरह है ये बैल वगैरह है इधर ही होते हैं। बाकी तो भाई व्यू सेक्सी है गाइस। ये जो रास्ता जा रहा है ना इधर ऊपर को, ये ऊपर ऊपर करके इधर इधर से बिल्कुल वो हो इधर से दो चार पहाड़ी और पीछे यहाँ पे एक भोलेनाथ का मंदिर है, मतलब उसके साथ भी दो चार मंदिर और है, पर अभी बर्फ बड़ी है तो हम शायद ही जाए ऊपर। इधर बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं तो चलो अगर जाएंगे तो आपको दिख ही जाएगा, बाकी तो हम इधर इंजॉय कर ही रहे हैं तो देखते रहो आप भी। तो गाइस अभी हमने कुछ खा पी लिया तो अभी थोड़ी देर इधर इधर ही खाया हमने थोड़ा सा ना ऐसे कुछ चिप्स वगैरह खाए, तो अभी हम कुछ ऐसे मज़े मुझे करेंगे। देखो आप भी इधर स्लाइड शूट करेंगे। तो गाइस अभी हम इधर से स्लाइड शूट करेंगे, स्लाइड बनाएंगे मतलब, तो देखो आप चेक करो इधर से नीचे को, दिखाता हूँ मैं पूरे को इधर से बिल्कुल ऐसे से नीचे नीचे को इधर से बनाएंगे नीचे को। और देखो यार गाइस कई मस्त लग रही है लेक, बाकी भाई व्यू तो टचा टचा है बढ़िया है। गाइस तो गाइस थोड़ी मेहनत से हमने अपने लिए थोड़ी सी स्लाइड बनाया हुआ है, थोड़ा सा स्लाइडिंग करेंगे इंजॉय करेंगे इधर ऊपर से बिल्कुल ऐसे ऊपर से नीचे तक। हाँ एक बार जरा दिखा भाई हाँ तो भाई इधर से वैसे ही करेंगे। तो गाइस देखिए कर रहे हैं हमारे रोहित स्लाइड, देखिए माउंटेन व्यू भी गाइस हाल बुरा हाल हो गया हमारे, अरे सारी मेहनत बेकार हो गई उसके अंदर, हमने कुछ ज़्यादा प्लान कर दी और अब तो ऐसे घास निकलगी बार। चलो कोई नहीं, बार मज़ा आया। तो गाइस इधर मज़े करने के बाद थोड़े रेस्ट किया, कपड़े सुखाए और मौसम भी अब ख़राब होने लग गया है, तो हमने सोचा आगे तो ऊपर तो जा नहीं पाए हम इधर ऊपर भोलेनाथ के मंदिर में, क्योंकि बर्फ बड़ी होगी इधर ही बड़ी बर्फ है, तो आगे तो फिर ऐसे ही बुरे हाल हो जाएंगे हमारे। आगे आसपास एक मोनेस्ट्री है तो हमने सोचा भी उधर जाएंगे। और बाकी ये लोग कपड़े पहन रहे हैं, अभी थोड़े गीले हो गए थे। बाकी हमारा दोस्त इधर बैठा हुआ है, देखो अभी लेटा हुआ है ऐसे करके नीचे, चेक करो इसको। चलो वैसे चलते हैं, चलो देख दिखाते हैं आपको आगे मोनेस्ट्री। तो गाइस हम निकल गए इधर से, बाकी इधर मौसम ख़राब हो गया, शायद थोड़ी देर बाद बर्फ बुर्फ भी हो सकती है। तो बाकी तो हमने जो जो खाया पिया सारा सामान एक बैग में करके ले गए हैं, गंदा नहीं करना चाहिए ना कहीं पे भी जाके। ग्रीन इंडिया वाला बोल रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, तो निभाना तो पड़ेगा। बाकी अभी हम मोनेस्ट्री तरफ जा रहे हैं, तो चलो दिखाते हैं आपको मोनेस्ट्री इधर की, बने रहो। तो गज एटलीस्ट हम पहुँच ही गए हैं, बाकी तो थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल भी हो रही थी, दिख नहीं रही होगी आपको, पर हो रही थी हल्की हल्की, बाकी बस वो थोड़ा सा ही उधर 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 आगे से उधर उधर है, देखते हैं खुला मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलो चलते हैं, थक गए यार बड़े। बाकी कुछ नहीं, इधर रास्ते के भी देखो यार क्या हाल है, काम नहीं करते हैं। कांग्रेस आई है भाई हिमाचल में, कांग्रेस का भी कहीं बोल सकते हैं। बाकी देखते हैं आगे हमको कोई
इधर मतलब जो मोनेस्ट्री में होते हैं, अंकल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलके तो खुला लेंगे, नहीं तो बाहर से दर्शन करके चल पड़ेंगे। बाकी इधर मौसम साथ नहीं दे रहा यार, बर्फ लग सकती है। वैसे ये पहले छोटा था पर अब इससे न्यूरेशन तो थोड़ा काम कुम हुआ इधर, और नया बनाया इसको, शायद मूर्ति वगैरह भी स्थापित की हुई है इन अपने जो बौद्धिस्ट वगैरह होते हैं। तो देखते हैं, देखने को मिलेगी, दर्शन कर लेंगे हम भी अभी। तो चलो दिखाते हैं आपको गाइस, इधर तो ताला लगा यार, बर्फ भी पड़ रही है हल्की हल्की। हाँ लोग काम कर रहे हैं इधर, अंदर है मेन दरवाजा, ताला लगा इधर अभी। बाकी यार मौसम देख लो आप, मौसम का क्या हाल है। चलो देखते हैं क्या बनता है। तो गाइज अंकल जी तो मिले नहीं, बाकी मौसम ख़राब हो गया, बर्फ कभी पड़ सकती है, हम निकल पड़े घर को। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइज एक सब्सक्राइब तो बनता ही है अपने भाई को। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।